हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने लास्ट वीडियो अपना एक किया था जो था एवरयूथ का वॉलनट एक्सफोलिएटिंग स्क्रब का, और उस वीडियो पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे ये पूछने के लिए कि स्क्रब एग्जैक्टली कैसे करते हैं। तो इट इज़ वेरी इजी, कोई ऐसी बड़ी टेक्निक नहीं है, छोटी सी ही टेक्निक है और वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लेंगे स्क्रब। मैं एवरयूथ का ही एक्सफोलिएटिंग वॉलनट स्क्रब इसके लिए यूज़ करूँगी। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप जब भी आप स्क्रब कर रहे हैं तो यही है कि स्क्रब करने से पहले आप हल्के गर्म पानी से ना अपना चेहरा धो लें। तो उससे क्या होता है, आपके जो पोर्स होते हैं वो हल्के गर्म पानी से ओपन हो जाते हैं। तो एक बार आपका जब हल्के गर्म पानी से मुंह धो के हो जाए तो आप अपना स्क्रब ले लें और ऑलमोस्ट इतनी क्वांटिटी अगर आप लेंगे तो काफ़ी होगा। और उसके बाद आप बस अपने फिंगर्स के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर ले तो ये ऐसे हो जाएगा। एंड देन यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि आपका नोज़ का एरिया है यहाँ, आपके फोरहेड और चिन के यहाँ मैक्सिमम आपको एक्सफोलिएट करना है। और आप सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से आप मसाज करें। तो ये ग्रैन्यूल्स जो होते हैं उनकी हेल्प से आपके जो अगर ब्लैक हेड्स हुए तो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हुए तो वाइट हेड्स, या फिर आपके पोर्स जो हैं वो क्लीन हो जाएंगे। ज़्यादा प्रेशर भी मत डालें, आपको हल्के हाथों से ही करना है, क्योंकि आपकी स्किन जो होती है वो काफ़ी डेलिकेट होती है तो ज़्यादा प्रेशर भी अच्छा नहीं होता। अगर आपको लगे कि थोड़ा ड्राइनेस हो रही है तो आप थोड़ा पानी और ले सकते हैं। चिन की जो एरिया है वहाँ पे भी आपको फोकस करना है। अगर आपको लगे कि आपको प्रोडक्ट यूज़ करना है तो थोड़ा आप ज़्यादा ले लें। मैं फोरहेड के लिए थोड़ा सा और ले रही हूँ, अगेन एंड द सेम थिंग। मेक श्योर करें कि आँखों का जो एरिया है और लिप्स जो हैं उस पर आप स्क्रब यूज़ ना करें, क्योंकि वो एरियाज़ काफ़ी डेलिकेट होते हैं और वहाँ पे स्क्रब जनरली हम यूज़ नहीं करते। और कमिंग टू योर नेक, ऑफ कोर्स योर नेक इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फेस। तो आप नेक पे भी जब यूज़ कर रहे हैं तो नेक पे आप ऊपर की साइड पे स्क्रब करें। This is how you have to go about it. And remember, 30 seconds से ज़्यादा आप स्क्रब ना करें। ये जो ग्रैन्यूल्स हैं वो कभी कभी आपके स्किन के लिए फिर ज़्यादा हार्श ना हो जाए, इसीलिए 30 seconds is more than enough to scrub your face. तो बस अब मैं अपना फेस रिंस करके आती हूँ। बस जैसे आप अपना चेहरा धो लें उसके बाद आप कोई भी क्लीन फेस टॉवल लें, प्रेफरेबली ऐसा फेस टॉवल जो थोड़ा सॉफ्ट हो, और हल्के हल्के से आप जो एक्सेस पानी है उसको अपने स्किन में से डैब आउट करें। तो जैसे आप देख सकते हैं स्क्रबिंग के बाद आपके फेस में एक नोटिसेबल डिफरेंस आ जाता है, और इसका रीज़न यही है कि जो डेड स्किन सेल्स होते हैं, आपके ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, वो इफ़ेक्टिवली आपकी स्किन से रिमूव हो जाते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो स्क्रबिंग के बाद आपको हमेशा फॉलोअप करना चाहिए, और वो है मॉइस्चराइजिंग। Yes, moisturizing is an extremely important and often missed. तो necessary होता है कि जो pores हैं जो clean हो गए हैं वो आपको close करने हैं, इसीलिए जब आपने आपका सारा scrub है जो wash out हो गया, just to seal the deal आप एक moisturizer ज़रूर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे द बॉडी शॉप का विटामिन ई मॉइस्चराइज़र। तो ऐसा कोई आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर ले जो काफ़ी हल्का हो, ज़्यादा आपको गाढ़ा भी यूज़ नहीं करना। तो बस आपके नेक पे जहाँ जहाँ आपने एक्सफोलिएट किया है वहाँ पर आप थोड़े थोड़े लगा दें, और अगेन बस हल्के हाथों से उनको मसाज कर दें। ज़्यादा भी आपको मसाज नहीं करना, जस्ट मेक श्योर कि
रेलेवेंट एरियाज में आप मॉइस्चराइजर लगा दें. एंड दैट्स इट एंड वी आर डन. तो होपफुली आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो हाउ टू यूज अ स्क्रब पसंद आया होगा और आपको हेल्पफुल लगा होगा. अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में लिखना ना भूले. मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.